पहली बार कह रहा हूं, खबरदार नीतीश कुमार तुम्हें घमंड हो गया, घमंड हो गया। चाहते विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, आज इनको भी आप लज्जित कर रहे हैं। जाति विहीन समाज को आपने नहीं बनाया, जातीय उन्माद बक्सर के निहाल में नाना, उनके नाना बक्सर में थे, नानी बक्सर में थी। तो जानते हैं श्री रामचंद्र जी को बक्सर के नाते हनुमान ने क्या कहा है? हमारे हिंदू बंधु भी की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इस पैसे के खर्च का आपने जनता को क्या लाभ दिया? आपने इस खर्च से कौन सा समाधान किया? आप श्वेत पत्र जारी करिए, ये चौदह यात्रा का श्वेत पत्र जारी करिए और बताइए कि आपके इस तरह के जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का पिकनिक मनाने का अधिकार किसने दिया? कौन होते हैं? एक बात कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के पैसों से कुछ छर्रा उड़ाइएगा, भ्रष्टाचार और कुछ संपत्ति का मालिक बनिएगा। ये तमाशा बंद होगी बिहार के अंदर, बिहार के अंदर अभी नहीं चलेगा। अब बिहार की जनता मालिक है, जात के नाम पर लड़ाने का खेल भी नहीं चलेगा। बिहार की सांस्कृतिक विरासत माँ जानकी सीतामढ़ी की धरती से आह्वान होगा, उस शक्ति की भूमि से, और माँ धरती पुकार रही है अपने बिहार के नौजवानों को, इस पापियों से मुक्ति दिलाओ, इस जंगली जानवरों से मुक्ति दिलाओ और इस जानवरों को खदेड़ने की जिम्मेवारी बिहार की युवाओं का, युग परिवर्तन करने वाले युग के बाहर युवाओं के हाथ में है। पूरी ताकत के साथ बिहार 2023 के अंदर एक नए परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएगा। इसी के साथ जयप्रकाश नारायण जी के आज प्रतिमा के सामने हम लोग धरना पर बैठे हैं। इन्होंने संकल्प दिलाया था बड़े भाई लालू प्रसाद यादव, छोटे भाई नीतीश कुमार को, कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आज इनको भी आप लज्जित कर रहे हैं। जाति विहीन समाज को आपने नहीं बनाया, जातीय उन्माद आपने पैदा किया और जातीय उन्माद के कारण आज बिहार में भ्रष्टाचार प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच रही है। आपको जवाब देना होगा और यहाँ की युवा जवाब मांगती है, क्योंकि यहाँ के युवा सभी बंधनों को तोड़ कर माँ भारती के शक्ति की भूमि माँ जानकी के जो धरती से ली है, इस धरती के मान सम्मान के लिए, अपने पुत्र अन्नदाता का सम्मान और रक्षा के लिए नए आंदोलन का शंखनाद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। के लिए अल्पसंख्यक समाज को जो उन्होंने रामायण और रामचरित मानस का अपमान करके ये राजद का जो वोट बैंक है, ये चाहते हैं हमें और अल्पसंख्यक का वोट बैंक मिले। खबरदार मेरी पानी आज जय प्रकाश जी के चरणों में मैं बैठ करके मैं आज पहली बार कह रहा हूं, खबरदार नीतीश कुमार तुम्हें घमंड हो गया, घमंड हो गया। साथियों को छाती से लड़ा, हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद पैदा कर रहे हो। आज यहां अंबेडकर चौक पर भी, बक्सर में भी चंदन राम मोर्ची जिसने हमारा उपवास तोड़ा, और आज भाई चंद्रेश्वर पासवान जो एक छोटा किसान है,
मुश्किल से एक काम करता है, नीम को काम करता और दूसरों का खेती भी करता है और बाद में यहाँ रिक्शा भी चला लेता है। चंद्रेश्वर पासवान मुजफ्फरपुर का रहने वाला आज उसके हाथों रिक्शा तोड़वाया गया, उपवास तोड़वाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आप इस रामायण को आपके हाथों में मैं सुपुर्द करता हूँ ताकि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी जी का यह जो रात्र आप अपने मुख से हम सब लोग को गवाएं और श्लोक भगवान राम के बारे में कह करके तब फिर मैं गोपनीयता आपसे बात करूंगा। एक बार सबका भजन हो जाए ताकि हिंदू मुसलमान सभी जाति पाति धर्म संप्रदाय सब साथ मिलकर के इस देश को इस राज्य को आगे बढ़ाए, यही हमारी प्रार्थना है। मैं कहूंगा तो आप अभी आदरणीय चौबे जी ने मुझे समझ में आता है कि इन्होंने मुझे दिल में बिठा रखा है, दिल में इत्तेफाक से जगह मिलती है। गांधी जी की बात इन्होंने कही, उसके पहले भी किसी भारतीय बुद्धिजीवी ने कहा था, साई इतना दीजिए जमय कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और बाबा सुनील जी दोहराया गांधी जी का क्या मामला था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। शब्द में बांट कर मजहब रुकी किताबों के बात कर बिहार की सरकार में इस बातों को ऐलान किया जाए, किसी पुस्तक पर धार्मिक पुस्तक पर कुठाराघात किया जाए, ये इंसानियत की दलील नहीं हो सकती है। भाषा और किताब किसी के बाबा की जागीर नहीं होती। ये विद्वान जब खून जलाता है भूखे रहता है उस बात पर बैठता है तो कलम से मोतियां निकलती हैं, जैसे रामचरित मानस बन जाता है। रामचरित मानस का किस किन्धा कान दो मन 1974 में जब मैं 8वां क्लास का विद्यार्थी था उस वक्त जेपी का आंदोलन था, बड़े बड़े नेताओं का याद है। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ मैंने साइकिल पे भी टूर किया था, मगर छात्र था। बाद में नौकरी मिली तो जबानें बंद हो गई, लेकिन नौकरी में ऐसे लोग जो अपनी मनमानी करने वाले बड़े अधिकारी जब डिस्मिस कर देते हैं तो साबित होता श्री जैसा भाजपा के झंडा के नीचे आकर कहता है कि ओम असतमा असद गमया तम समा ज्योतिर गमया मित्रमा अमृतम गमया। 1974 में जिस कांड को मैंने कोर्स में पढ़ा था, 1974 के हिंदी कोर्स में था, किष्किंधा कांड से शुरू करना था। आज मुझे पता चला कि किष्किंधा कांड पूरे बक्सर के नाती श्री हनुमान जी पे आधारित है और बक्सर के ननिहाल में नाना गए, उनके नाना बक्सर में थे, नानी बक्सर में थी। तो जानते हैं श्री रामचंद्र जी को बक्सर के नाती हनुमान ने क्या कहा है। हमारे हिंदू बंधु भी मैं आगाह करता हूँ आपको, आप किताब पढ़िए। किताब ताका पर रखने के लिए नहीं होती, लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, यह पढ़ना पड़ेगा। किष्किंधा कांड की चौपाई बाबा ने आज पाठ भी किया, मैं बार बार फोकस देता था। जानते हैं बंदर लोग बानर कहते हैं, बाबा ने कहा बानर लिखा होगा किताब में, नाथ से पर हनुमान जी कह रहे हैं। जिनके शहर में बाबा आज MP है, तालियां बजनी चाहिए लोगों की, जिनके ननिहाल के चलते हम लोगों भी हितैषी के चलते बाबा मंत्री है, आने वाले जमाने में कुछ और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हनुमान की नगरी का सेवक है अश्विनी कुमार चौबे। हनुमान के ननिहाल का है ये पार्लियामेंट में पहुंचने वाला इंसान जिसे अश्विनी चौबे कहते हैं। आज अकेले पास पर नहीं थे,
हम बस्तरवासी सैकड़ों इनके साथ उपवास कर रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है और ये उपवास रायगढ़ ही जाएगा। किस इंदिरा काम मेरे सामने है, रामदेव मानस से इन्होंने गिफ्ट किया है, दान दिया है, मुझे पढ़ना आता है, अंग्रेजी भी, संस्कृत भी, हिंदी भी, कुरान मेरी किताब है, चीनी मसली किताब, उसके बाद उसमें हर धर्म की इज्जत करने के लिए लिखा हुआ है। कहा गया शहर में वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। 1,24,000 में पैगंबर ने कोई गारंटी नहीं ले सकता कि किस कबीले में, किस जाति में, किस धर्म के पैगंबर आए थे, मैसेंजर आए थे,